अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपको कुछ मसाले की तैयारी करना बता रही हूँ। चना मसाला हम बना रहे हैं, या चना बटाटा बना रहे हैं, रगड़ा बना रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो अपने को रमज़ान में चने बटाटे से लगती है, सूखा हो या ग्रेवी वाला चना बटाटा हो, तो उसके लिए जो मसालों की ज़रूरत हमको तैयारी अगर करके रखना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ मसाले की तैयारी करना बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो करके रखने से अपने लिए अच्छा होता है। अक्खी लाल मिर्ची है, या आमचूर का पाउडर है, या खटाई का पाउडर बोलते हैं जो, बेसन, ज़ीरा, साबित धनिया है, काला नमक है, और इसे नींबू के फूल बोलते हैं, या टार्ट्रिक, सैट्रिक एसिड, एक ही चीज़ है, उसके तीन नाम है, ब्लैक पेपर। इसमें से अभी सबसे पहले मैं एक मसाला जो बनाना आपको बता रही हूँ, अक्सर जब हम घर में बनाते हैं, ये दही बड़ा भी अगर आप बना रहे हो तो उस पर भी ये मसाला आप डाल सकते हैं। एक फ्राई पैन में जो हल्का गरम हो गया है, ये देखिए धीमी आंच पे मैंने गरम करने रखी हूँ, इसमें जो है अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो और लाल मिर्ची आप डाल सकते हैं। इसे हम हल्के से सेक लेंगे। ये साबित लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने सेक दी हूँ। अभी इसमें हमने एक चम्मच ब्लैक पेपर, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी जिसे बोलते हैं, ये आपने डेढ़ चम्मच ले लें। दोनों को ये देखो सब माशाल्लाह बहुत अच्छा सेके गया है, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। अभी इसमें हम धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तकरीबन 5 चम्मच मैंने धनिया ली। तेज आंच पे उसको जला दिए, ये देखें ये अच्छा भून गया। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, मैं इसको मसाला तैयार करती हूँ। ये सब अच्छा ठंडा हो गया है, इसमें आपके बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बहुत खट्टा होता है ये टाटरी जो है, बहुत खट्टी होती। आप अगर साल भर भी मसाला पीस के रख रहे हैं तो ख़राब नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको इसको डालना है। ये अगर आपने पीस के रखे तो महीना, 6 महीना, साल भर भी आपका मसाला कभी ख़राब नहीं होगा। ये टाटरी आपने थोड़ी सी डाल देना है इसमें। अब इसको मैं मिक्सर में अच्छा पीस लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा रगड़ा चना बटाटा, चटपटे आलू रगड़ा, ये सब तमाम इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे दही बड़ा, उसमें आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मसाला माशाल्लाह, बेसन बहुत अच्छा भून गया है, बहुत ही धीमी आंच पे भूनी हूँ मैंने। और जब भी आप बेसन भूने तो इस तरीके से धीरे धीरे उसको पुश करते जाए। इस तरीके से दबाने से क्या होगा, उसमें बारीक बारीक जो गांठें होती है वो नहीं होगी। ये देखो मैंने गैस बंद कर दी, ये हमारा बेसन खूब अच्छा भुना।
आप इसे कोफ्ते का भी मैंने बताया, चना बटाटा बनाते हैं उसमें ये यूज़ होगा, चने बटाटे की जो चटनी बनाते हैं उसमें ये यूज़ होगा, और आपने को जो है तो इस तरीके की कोई भी चीज़ आप बनाए, सीख बनाए चिकन की मटन की उसमें आप ये यूज़ करें, बिहारी कबाब में आप यूज़ कर सकते हैं, बिहारी पसंदे में आप इसे भुना हुआ यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान के 30 रोज़े के दरमियान में हम जितना बनाए उतना कम होता है। अगर आपसे बराबर नहीं भुना गया होगा, गाँठे रह गई है, तो आप उसको धीम छन्नी से छान लें और ठंडा होने पे किसी भी एयरटाइट जार में बंद करके रख दें। माशाल्लाह किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बेसन की भुनी हुई, कहीं भी काटनी है इसको, छानने की तकरीबन मुझे कहीं भी ज़रूरत ही नहीं है। रमज़ान स्पेशल में मैंने आपको आज बहुत से मसाले बनाना बताई हूँ, जिसमें ये मसाला जो है आपका चने बटाटे के लिए है, मैं इसकी रेसिपी भी आपको बता दूँगी कि कैसा इस्तेमाल करना है, और ये जो है तो सैंडविच मसाला है, काला नमक लाल मिर्च का पाउडर। जब हम चने बटाटा खाते हैं तो देखते हैं इतनी सारी चीज़ें रखी हुई, समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ क्या है। अभी आप ध्यान से देखें और ऐसी तैयारी कर लें। एक मैं चाट मसाला आपको बताती हूँ स्पेशल, जो बहुत कम मार्केट में आप लोगों को मिलेगा। मैंने इससे पहले भी आपको चाट मसाला बनाना बता दी हूँ, आज बहुत ही अलग तरीके का बता रही हूँ मैं। ये 2 चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर ली हूँ, इसमें हमने सिर्फ ये 1/2 चम्मच से भी कम ये डाल देना है, और फिर जो है तो ये ज़ीरे का पाउडर 1/4, ये हो गया, और इसमें हमने डालेंगे सादा नमक। सादा नमक बस इतना सा। अभी आप ये चाट मसाला आप ये भी आप रमज़ान में अपनी तरफ से बना के रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये चाट मसाला। नींबू वगैरह भी आपको छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि रमज़ान स्पेशल में आपको मेरे मसाले कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।